आरएसकेवी नंबर वन स्कूल में एसएमसी टीम ने किया निरीक्षण। कौन कौन सी सावधानियों के साथ पढ़ाई है जारी, ये देखिए एक खास रिपोर्ट मीडिया नई सुबह। फिर से पढ़ानी है तो बाकी सिलेबस जितना था आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने डाउट्स मैम से पूछे? जैसे तुलसी दास का डाउट क्या था? तो इसमें बच्चे अब आ रहे हैं तो जैसे प्री कॉशन सेफ्टी के लिए हमने जो लिया है तो इसमें क्या क्या चीज थी, जैसे तो जिस सब सेफ्टी ले रहे हैं बच्चों की? अच्छा, एक तो एंट्री गेट पे अपने ना सैनिटाइजर की वो लगा दी है, फिर हम हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग करते हैं, फिर उसको है ना क्लास में जाते हैं, क्लास में भी हम पहले है ना पूरे क्लास को है ना एक तरीके से सैनिटाइज कराती हूँ मैं। सुबह आप मॉर्निंग में आप आके देखोगे तो पूरी क्लास है ना हमारी सैनिटाइज होती है। उसके बाद जैसे लंच होता है तो हमें ना बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, एक या दो टीचर की ड्यूटी लगाते हैं ताकि बच्चे एक साथ ना हों। हाथ यदि टॉयलेट भी जाते हैं तो हम एक या दो बच्चों से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे ताकि कहीं टॉयलेट के बाहर ना ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा है ना सेफ्टी ना छोड़े अपनी और अपने को ध्यान में रखते हुए इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल में आए। मतलब वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 100% रिजल्ट था और बच्चों का 100% ही रिजल्ट आया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा है ना है। इलाजी हमारे डीसीपीसीआर की एसएमसी सेल की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो जैसे अभी हमने स्कूल विजिट किया ये आरएसकेवी नंबर 1 जी आईडी 1002196 जी, तो जैसे बच्चों की सेफ्टी के लिए या कोई आपको ऐसा लगा कुछ कमी रह गई है? नहीं नहीं, स्कूल में काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट करे हुए हैं। एचओएस मैम से भी मिली मैं गेट पे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से भी देखी कि कैसे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र भी है और प्लस थर्मल वेरिफिकेशन भी उन लोग कर रहे हैं। क्लासेस में भी सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, बाकी एसएमसीज ने भी क्लासेस में जाके बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करा है सेफ्टी के लिए, और डिस्टेंस भी अच्छे से मेंटेन है क्लास में, एक रो एक छोड़ करके बच्चे बैठे थे। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि स्कूल सारे प्रिकॉशंस को प्रॉपरली ले रहा है और बच्चे भी इतने दिन बाद आकर के खुश हैं स्कूल में। नाइन्थ में आने वाले बच्चों के लिए भी स्कूलों ने ऐसे ही अरेंजमेंट किया है कि क्लासेस में ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो और थोड़े थोड़े क्लासेस में गैप करके, और टीचर्स की ड्यूटी भी लगी हुई है कि बच्चे लंच टाइम में या और किसी टाइम में भी ज़्यादा क्लोज कॉम्पैक्ट होकर ना बैठें। तो आई एम सैटिस्फाइड कि दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। नमस्कार राजेश भाई। हाँ जी, नमस्कार राजेश भाई। हाँ, मैं स्कूल में जो भी अरेंजमेंट्स हैं उसे देख के काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। स्कूल की तरफ से प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है और बच्चे उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो कर रहे हैं, और मेरे टीचर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के साथ मेहनत करवा रही हैं, फिर चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हों या बच्चों को दी जाने वाली ऑफलाइन क्लासेस। I highly appreciated to the principal ma'am, even to the all the teachers. Well, they are performing, whatever they are performing right now is absolutely wonderful. Thank you, Manish. Okay.